नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। पार्टी पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ी से मुखबिर की सूचना पर 16 पेटी गोवा विस्की के साथ एक आरोपी व मोटरसाइकिल जब्त की है। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब धार जिले से लाई जा रही थी। पूर्व में भी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की थी, इसके बावजूद अवैध शराब का सप्लाई जारी है। वही थाना प्रभारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुरुवार को कस्बा गश्त करते समय मुखबिर द्वारा सूचना पर बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति व उसके पास से मोटरसाइकिल सहित 3 बोरे में भरी 16 पेटी गोवा विस्की जब्त की है। सर, एक शराब वाला मामला है। हाँ, रात को गश्त के दौरान पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से बोरखेड़ी तरफ से कोई अवैध शराब आने वाली है, और सूचना पर फिर पुलिस टीम गई थी और जब नाकाबंदी की तो वहाँ पे बोरखेड़ी गांव से नद्दा पास से जो शराब के पेटे लाए गए थे, मोटरसाइकिल वाले को रोका तो एक पीछे जो बैठा व्यक्ति था वो कूद कर भाग गया। मोटरसाइकिल चालक को पकड़ा तो उसने अपना नाम बंटी बोरखेड़ी का बताया और मोटरसाइकिल MP 46 ML 72 26 जिसपे 3 बोरे टाट के बंधे थे उनको खोल के देखा तो उसमें 16 पेटियाँ गोवा विस्की की भरी हुई थी, जो करीबन 88,000 की 144 लीटर शराब है। सर, लगातार शराब अवैध शराब बिकी जा रही है, पुलिस और क्या कार्रवाई करेगी आगे? और पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। सर, आरोपी कहाँ है अभी? आरोपी बंटी को पकड़ लिया है और इडम सिंह है जो फरार है उसको भी कन्वेंस में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सर, न्यायालय पेश आज ही किया जाएगा? नहीं, अभी उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी कि शराब कहाँ से लाया था और किसे देना थी, उसके संबंध में याद लिया जाएगा। वही एक अन्य आरोपी मौके से फरार है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 34(2) का मामला दर्ज किया है।